हिमाचल कांग्रेस में अब पिता और पुत्र आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने अपने ही मंत्री पिता को नसीहत दे डाली है। चौधरी चंद्र कुमार ने भी बेटे की नसीहत का जवाब दिया है। चौधरी चंद्र कुमार ने बेटे की ओर से की गई टिप्पणी पर कहा कि जब बाप का जूता बेटे को फिट आने लग जाए तो उसे कोई नसीहत नहीं देनी चाहिए। क्या बोले कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, सुनिए विस्तार से। मुख्यमंत्री के सारे विधायक खास ही होते हैं क्योंकि इज द लीडर ऑफ द पार्टी, तो ये क्या देना कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन में नहीं बदला जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब सरकार सत्ता में आई है तो कोई प्राथमिकता होती है सरकार की, उसको देख करके रीशफलिंग वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अभी तो हम उस जो भयानक आपदा जो है जल प्रलय क्या है उसी की तरफ ध्यान है, जब ठीक समय आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रीशफल, मुख्यमंत्री का अपना पदाधिकार है वो कर देंगे। तो उसके साथी है, आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स करने के लिए तो नहीं, आपको मतलब की बात है वो पूछो। कई बार कई चर्चा जो है वो मीडिया में आती रहती है, बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि चौधरी चंद्र कुमार जी अपनी ही कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के आप एकमात्र मंत्री हैं, इसलिए अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर टिप्पणी करने की बजाय इस सबसे बड़े जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो आज से 8 महीने पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें जिन्हें ये अधिकारी मुंह नहीं लगा रहे हैं, और उस विधायक पर भी नज़र रखें जो आपका और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का खास होने का ढोंग रचकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साठ गांठ बना के बैठा है। नीरज भारती ने ये पोस्ट विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के गीता ज्ञान के बाद चंद्र कुमार के बयान पर की है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।